हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं 15 मिनट में झटपट बनने वाला स्पाइसी आलू की भजिया तैयार कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बल्कि मेरी सब्सक्राइबर को ये भी कहना चाहूँगी कि 1 वीक में मेरी 3 वीडियोस आते हैं, तो आप उन्हें देखा ही करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, और अपने पसंद की डिशेस भी बताया करें। उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूला करें, क्योंकि इससे आने वाले मेरी हर नई वीडियो पहले आप तक पहुँच जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। पहले मैंने आलू को धो के अच्छे से इसका छिलका निकल ली है और इसको राउंड शेप में काट कर ली है। देखिए, मैंने ज़्यादा मोटा नहीं या ज़्यादा पतला नहीं की है। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून जीरा डालना है। ये स्प्राउट होने के बाद हम उस आलू को यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे। इस तरह आलू को फ्राई करने से आलू एकदम क्रिस्पी बनती है और आलू भुजिया का टेस्ट भी बढ़ जाती है। अब इसको 1 मिनट तक ढककर कुक करेंगे। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम सूखा मसाला ऐड करेंगे। पहले नमक ऐड कर लेते हैं, 1/4 हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर मैंने डाली है। इसको अच्छे से मिला देंगे और 1 या 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब मैंने 3 टमाटर को चॉपर में डालकर इसका पेस्ट बनाया है। इसको डाल देते हैं। आप चाहो तो आप इसको ग्राइंड भी करके ले सकते हो। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसको स्लो फ्लेम 4 मिनट तक कुक करेंगे, जैसे कि टमाटर गल जाए और मसाला भी अच्छे से वैसे कुक हो जाए। अब मैंने कवर करके 4 मिनट तक पकने दिया है। अब देखिए, टमाटर गल गया है और आलू भी अच्छे से कुक हो गया है। चेक करते हैं। इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, कटा हुआ धनिया, कटा हुआ हरी मिर्च और इसे अच्छे से मिला देते हैं। बहुत अच्छी आलू की भुजिया अब हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। बहुत ही अच्छी डेलिशियस आलू की भुजिया अब बनकर रेडी है।
आप इसे गरम गरम राइस के साथ खाएं, गरम गरम चपाती के साथ और पराठे के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। सो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।